वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। माता गंगा जी, शहीदां दे सरताज, पंजवीं नानक जोत, श्री गुरु अर्जन देव जी दे महल होण दा सुभाग माता गंगा जी नूं प्राप्त होया। आत्मक ते संसारक जीवन विच विशेष प्राप्तियां कारण सिख इतिहास विच माता गंगा दा नां सदा चमकदा रहेगा। ए ओ सुभागी माता है जिस दी कुखों मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा जन्म होया। सहनशीलता, धार्मिक परपक्ता ते सुचजी अगवाई देण वाली सलाह सदका इना दे देखद्यां सिखी दी लोक लहर ने एक नवी करवट लई ते संत रूप सिखां नूं संत सिपाही बन के जुलम दा टाकरा करन लई तैयार रहण दे राह पाया। देवी गुणा वाली माता गंगा अपने नां वांग ही पवित्र, निरशल ते लखां लोकां दी दुरमत मैल नूं उतारन वाली सिद्ध हुई। माता गंगा दी इस महानता दा वर्णन करदिआं जसवंत सिंह विरदी ने लिखिया है, महान गंगा दे शुद्ध रूप वांग पवित्र ते आदरणी माता गंगा दा चेता आउंदिआं ही मन विच शरदा दी भावना भर जांदी है ते सिर सत्कार नाल झुक जांदा है। माता गंगा जी ने एक अजिहे सूरमे पुत्तर नूं जन्म दिता जिसने मीरी पीरी दियां दो तलवारां धारण करके कौम नूं संत सिपाही बन के जीउण दा मार्ग विखाया। गुरु अर्जन देव जी दी शांत रूप विच दित्ती हुई शहीदी तों मगरों इह जरूरी बणदा सी कि कौम हुण दुश्मन दा मुकाबला करन लई शक्तिशाली हत्थां विच शस्त्र भी रखे, क्योंकि संसार विच कोई भी अजिहा दुश्मन नहीं है जिहड़ा केवल शांतमई ढंग नाल सुलह सफाई लई राजी हो जाए। माता गंगा जी दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कौम नूं फकीरी दे नाल शस्त्र धारण करवा के अणख नाल जीउण दा सही मार्ग विखाया सी। सारे इतिहासकार ते साखीकार सहमत हन कि गंगा जी दा जन्म दुआबे दे जिला जलंधर दी तहसील फलौर दे पिंड मोह विच माता धनवंती दी कुखों किशन चंद दे घर होया, जो अपने नगर दे खत्री परिवार दे मुखिए सन। गंगा जी दा जन्म कदों होया इस बारे बहुते इतिहासकार खामोश हन, क्योंकि उस समय बच्चे बच्चियां दे जन्म समय ते तारीख नूं संभालण दी घट लोड़ महसूस कीती जांदी सी। 20वीं सदी दी पहली चौथाई विच होए सिख विद्वान ज्ञानी ठाकर सिंह जी ने गंगा जी दी जन्म तारीख बारे गुरमहलां दे इतिहास नूं अंकित करदिआं लिखिया है कि गंगा जी दा जन्म संमत 1613 महीने फगण नूं होया। 9 साल दी आयु विच गुरु अर्जन देव जी नाल व्याह 15 माघ सोमवार संमत 1622 नूं होया लिखिया है। कई इतिहासकारां ने बिना इतिहासक हवालियां दे ए लिखिया कि गुरु अर्जन देव जी दा पहला व्याह रामदेई नाल होया, उस दे छेती अकाल चलाना कर जाण ते दूजा व्याह मोह नगर दी गंगा जी नाल होया, पर ओ रामदेई दे पिछोकड़ जन्म पिंड ते माता पिता बारे कोई जानकारी नहीं दिंदे। पर बहुते इतिहासकार गुरु अर्जन देव जी दे इको एक व्याह दा जिक्र करदे हन। इस दी पुष्टि उदों होई जदों माता गंगा जी दे घर गुरु हरगोबिंद साहिब दा जन्म होया। तां सारे इतिहासकार मनदे हन कि नानके पिंड मौत तों व्यम दा समान लै के आए। इसे तरह जद गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा व्याह समा आया तां नानकी शक मौ पिंड तों ही आई। जापदा है कि समय दे रिवाज अनुसार बाल अवस्था विच जो नां प्रचलित हो जांदे सी ओ माता गंगा जी दा पहला नां रामदेई ही सी। गुरु अर्जन देव जी दा व्याह 11 साल दी आयु विच होया। स्पष्ट है कि गुरु अर्जन देव जी दा व्याह माता गंगा जी नाल ही संपन्न होया। कई साखीकारां ते कवि इतिहास लेखकां ने वेरवे सहित गुरु अर्जन देव जी दे माता गंगा नाल व्याह दी घटना नूं बयान कीता है। ओ लिखदे हन कि इस व्याह समय
कई अलौकिक गल्लां वापरियां। दस्या जांदा है कि गुरु अर्जन देव जी जंज समेत जदों श्री अमृतसर तो चल के गोइंदवाल हुंदे होए सुल्तानपुर लोधी तो नूर महल राही तहसील फलौर विच दाखल होए, बिलगे विच इन्हां दा विशेष पड़ा सी, जिथे इन्हां इशनान किया, पाए हुए कपड़े उतार दिते ते व्योण जाण वाले लाड़ियां वांग सेराबंदी होई। बिलगे दे गुरु घर दे प्रेमियां ने उस अस्थान ते शानदार गुरद्वारा उसारिया ते गुरु अर्जन देव जी दे उतारे बस्त्रां नूं सत्कार सहित संभाल लिया। पिंड मोह पहुंचण तो पहला बिलगे विच ही यह महत्वपूर्ण यादगार है। इथों चल के यह अलौकिक बरात पिंड मोह पहुंची। गुरु नानक देव जी दी बटाले गई जंज वांग ही इस जंज विच बहुते संत महात्मा ते अध्यात्मक बिरती वाले व्यक्ति सन। बरात वेख के पिंड वाले परेशान हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि वह बेटी गंगा नू एक साधु फकीर नाल नहीं तोरनगे, पर सिद्धी ना करन दी जगह उन्हां एक जुगत तो कम लिया। सो पिंड वालियां ने एक जंड दा मुढ़ उत्तों वढ़ के धरती विच किले दे तौर ते गड्या होया सी। उन्हां गुरु जी नू कहा कि जेकर वह तीर जां नेजा मार के किले नू धरती विचों पुट देन तां उन्हां दा व्याह हो जाएगा। श्री अर्जन देव जी ने पिंड वासियां नू कहा कि असी तुहाडे हितैषी हाँ, तुसी अपनियां जड़ां साढ़े कोलों ना पुटवाओ। गुरु अर्जन देव जी ने नेजा मार के जंड नू मुढ़ तों धरती विचों जड़ां समेत उखेड़ दिता। गुरु अर्जन देव जी पिंड वासियां दी मन दी हालत नू समझ गए ते बरातियां नू वापस मुड़न दी तैयारी लई कह के आप उस थां तों कुछ वक्री थां जा बैठे। जद इस घटना दा गंगा जी दे मां बाप नू पता लगा तां ओ बहुत घबराए। गंगा जी जो गुरु अर्जन देव नू तनो मनो ते आत्मिक सोच नाल पति स्वीकारदे सन ओ व्याकुल हो गए। धी दी हालत वेख के तनवंती भजी भजी गुरु जी पास आई ते निम्रता सहित अरजोई करन लगी कि पिंड वालियां नू अपनी गलती दा एहसास होया है, उन्हां नू ओ कुछ नहीं सी करना चाहिदा जो ओ कर बैठे ने। इस विच साडी पुत्री गंगा दा तां कोई दोष नहीं, ओ मानसिक तौर ते रिश्ता होण तों लै के आप नू पति स्वीकार करी बैठी है। हुण तुहाडे वापस मुड़न बारे सुन के ओ बेहद दुखी है। दूजियां दी सोच दी सज़ा उस नू क्यों मिल रही है? यह सुन के गुरु जी ने अपना फैसला बदलिया ते फिर आनंद कारज पिछों गंगा जी दा डोल अमृतसर लै आए। इस व्याह समय गुरु अर्जन देव जी दी ते माता गंगा जी दी उम्र दे समय लिखारियां दी लिखत तो प्रगट हुंदे हन। ज्ञानी ठाकुर सिंह अनुसार व्याह समय उम्र 11 साल दी सी। कईयां ने व्याह समय गुरु साहिब दी उम्र 11 साल दी लिखी है। श्रोमणी कमेटी वालों प्रकाशित सिख इतिहास विच प्रोफेसर करतार सिंह लिखते हैं, श्री अर्जन देव जी का विआह 23 हाड़ 1636 नू अर्थात 16 साल की उम्र विच मौ पिंड तहसील फलौर जिला जलंधर के वसनीक श्री किशन चंद की सपुत्री माता गंगा देवी जी नाल होया। गुरु महल गाथा विच डॉक्टर महेंद्र कौर गिल लिखती है कि गुरु अर्जन देव का विआह गंगा जी नाल 1643 बिक्रमी 23 हाड़ नू होया। इस हिसाब नाल ए व्याह सन 1586 ईस्वी नू होया बनता है। प्रोफेसर करतार सिंह गुरु अर्जन देव जी का जन्म 1663 ईस्वी मन के 16 साल की उम्रे माता गंगा जी नाल व्याह 1579 विच होया वर्णन करते हैं। व्याह ते जन्म दियां तरीकां बारे लेखकां दियां वक्खो वक्ख सूचनावां हन। 1581 विच गुरु अर्जन देव जी 5वीं नानक जोत बने। इस हिसाब नाल गुरु अर्जन देव जी दा गंगा जी नाल व्याह 5वीं नानक जोत बनन तों 2 साल पहला होया।
जे ए साल ते तरीखां ठीक मनिया जान ता बीबी भानी ते गुरु अर्जन देव जी दे गुरदेव पिता गुरु रामदास जी दे हुंदिया उना दी सरप्रस्ती हेठ ए व्याह संपन्न होया। इतिहासकारां ते साखीकारां अनुसार माता गंगा जी दुल्हन दे रूप विच अमृतसर विखे गुरु महला विच आ पुजे। माता भानी ते सरबत साध संगत ने खुशी मनाई ते अमृतसर विच खूब रौनक हुई। इस तरह माता गंगा जी अपनी सस माता भानी दी देख रेख हेठ जीवन बिताउण लगे। गंगा जी दा सुभा बड़ा मिठा ते सहज वाला आज्ञाकारी सी ते भजन बंदगी वाला परपक हुंदा गया। गुरु अर्जन देव जी ने पंजवी नानक जोत बन के जो महान कारज श्री अमृतसर साहिब दी उसारी गुरु ग्रंथ साहिब दी संपादना ते नवे नगरां ते सरोवरां दी उसारी ते कार सेवा दी योजना आरंभी उस विच माता गंगा जी ने यथाशक्त योगदान पाया। जिस तरह दी सेवा सास माता भानी जी ने समझाई ओह खिड़े मत्थे ते दिलों मनो गंगा जी निभाउंदे रहे। कई पासियां तो गुरु घर नूं विरोधता ते चुनौतियां दा सामना करना पिया पर गंगा जी ना कदे घबराए ते ना ही कदे चढ़दी कला दी थां ढहिंदी कला नूं जीवन विच आउण दित्ता। पति गुरु अर्जन देव जी दे इस उपदेश नूं अमली जीवन विच ग्रहण कर लिया कि प्रभु दी रजा विच राजी रहना है ते अकाल पुरख दे हर भाणे नूं मिठा करके मनना है। गुरदेव पति दे संग ते माता भानी जी दी छतर छाया हेठ सारे मानवी गुणा नाल भरपूर नारी दे रूप विच कार्यशील बन गए। गुरदेव पति दे कार्जां विच दिलचस्पी विखाउंदिया उन्हां नूं मानसिक ते आत्मिक खुशी ते संतुष्टता मिलदी। ओ गुरु घर आउण वाले हर गरीब अमीर नर नारी दा खिड़े मत्थे स्वागत करदे। बड़े माण ते आदर नाल हर बाल बिरद नर नारी दी सेवा करके खुशी प्राप्त करदे। गंगा जी दे गुरु अर्जन देव जी नाल व्याह तों बाद 14 साल हो गए पर आप दे घर कोई संतान ना हुई। हर नारी दी सर्वश्रेष्ठ इच्छा हुंदी है कि व्याह पिछों मां बने। दुनिया विच अजिहियां नारियां कुछ गिनती विच ही होणगियां जो गृहस्थी जीवन विच प्रवेश करके गृहस्थी जीवन दा भार चुकण तों डरियां होणगियां पर गृहस्थी जीवन विच प्रवेश करके मां बनन दा प्रबल जज्बा लगभग हर नारी दा हक फर्ज ते तमन्ना हुंदी है। साडी समाजक बणतर अजिही है कि जिस नारी दे व्योता जीवन दे 5-10 साल बीत जाण ते उहदे विड़े विच बाल ना खेडे समाज उस वल उंगलां उठाउण लग पैंदा है ते उस नूं आसे पासे तों ताने मीणे सुणने पैंदे हन। एवें ही माता गंगा जी ने भी अजिहियां गल्लां दी सो सुनी होवेगी पर ओह गुरु घर दे कारजां विच इन्ना सरगर्म हिस्सा लै रही सी कि संतान ना होण दे मसले ते उन्हां नूं कदे इकल विच बैठ के सोचण दा अवसर ही नहीं सी मिलदा। पर एक घटना ने उन्हां नूं निचोड़ के रख दिता। उस दा वर्णन इतिहास विच इस तरह आउंदा है। सन 1574 दे आरंभ विच एक दिन माता गंगा जी केसी इशनान करके गुसलखाने चो बाहर आई जिथे उहदी जिठाणी पृथ्वी चंद दी पत्नी करमो वेड़े विच खड़ी सी। माता गंगा ने अपने गिले केस पिछे नूं सिर करके सुट ले। कुछ छिट्टे करमो उत्ते पए तां करमो ने ताना मार के गुस्से विच कहा कि अपने घर तां संतान हुंदी नहीं, मेरा घर भी उजाड़ना चाहुंदी है। माता गंगा नूं इह ताना चुभिया क्योंकि उहदे त्रीमतपन ते इह चोट सी। शाम नूं जद गुरदेव पति गुरु अर्जन देव जी घर आए ते माता गंगा ने जठाणी दे चोटमई व्यंग दी गल सुनाई। गुरु जी ने कहा, संतान दी बख्शिश अकाल पुरख ही करदा है, तुसी उहदी आराधना विच जुटे रहो, मानव सेवा दे कारजां विच अपना जीवन ला दिओ, शरीकां दे तान्या मेणियां दी परवाह ना करो,
माता गंगा जी ने अपने दिल दी हूक बयान करके अर्ज कीती, तुसी तां बख्शिशां करन वाले हो, रेख विच मेख मार सकदे हो, सरब समरथ हो, मेरे जीवन दी एक आट भी पूरी कर सकदे हो। तां गुरदेव बोले, असी तां अकाल पुरख पास संगतां दी भावना पूरी करन लई अरदास कर सकदे हां। माता जी ने फिर बेनती कीती, फिर मेरे लई भी अरदास करो। ता गुरदेव ने समझाया कि संगतां दी अरदास जां पूरन ब्रह्म ज्ञानियां दी अरदास दूजियां लई कीती छेती परवान हुंदी है। माता जी दी इस भावना लई उन्हां नूं राह समझाया कि शहर तो 9 मील दूर चबाल नेड़े बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी बीड़ विच बैठे कथनी ते करनी दे सूरे हन, गुरु नानक जी दे वरोसाए होए हन। सानू चार रूपां नूं नानक जोत बनाउण दा तिलक उन्हां लाया सी, उन्हां लई लंगर लै के जाओ, वह खुश होणगे, तुहाडी भावना लई अरदास करनगे ते उन्हां दे मुख तो निकले बचन परमात्मा पूरे करेगा। माता गंगा जी ने लंगर तैयार करवाया, कई प्रकार दे भोजन लै के रथ विच कुछ संगत साथणा नाल बीड़ विच पुजे। दूरों धूड़ उड़दी ते रौला सुन के बाबा बुढ़ा जी ने सेवादारा नूं पुछया, ए कौन हन? नेड़े आउण ते सेवादारा ने दस्या कि ए गुरु जी दे महल हन। बाबा बुढ़ा जी दे मूहों निकलिया कि गुरु क्या नूं कई भाजड़ पई है। सेवादारनियां नूं कह के माता ने भोजन भेट किया, तो बाबा बुढ़ा जी ने कहा, असी अजिहे भोजन खाण दे आदि नहीं, असी साध मुरादे भोजन खाण दे आदि हाँ, सादा भोजन ही साड़ी भुख मिटाउंदा है। बाबा बुढ़ा जी ने आप ओ भोजन ना छकिया ते संगत विच वतार देण दी आग्या कीती। माता गंगा जी निराश हो के गुरु के महल विच अमृतसर आ गए ते गुरदेव पति नूं जो ते जिवें वापरिया उसे तरह सुना दिता। गैर गंभीर पति सारी वार्ता सुन के बोले कि असीसां लैण वाले निम्रता सहित महापुरशां कोल जांदे हन, शाही ठाठ बाठ ते बाहर मुखी दिखावे नाल ब्रह्म ज्ञानी प्रभावित नहीं हुंदे। तुसी इस तरह करो कि अपने हत्थी मिस्सियां रोटियां तैयार करो ते गुरबाणी दा पाठ करदिया लंगर तैयार करो। बाबा बुढ़ा जी लई मिस्सियां रोटियां ते प्याज दा भोजन लै के उन्हां पास पुजो। तुसी आप दुध रिड़को ते गड़वा लै के पैदल बीड़ तक जाओ, फिर देखो उन्हां दी प्रसन्नता नाल की शब्द मूहों निकलदे ने। बिन दसे उह तुहाडी इच्छा बारे आप ही बचन बोल देणगे। माता गंगा जी ने इसे तरह किया। जद जा के बीड़ विच लंगर बाबा बुढ़ा जी दे सामने रखिया तां उह बहुत प्रसन्न होए। मिसियां रोटियां उत्ते अचार रखिया ते मुक्की मार के प्याज पांदे होए बचन किया, माता जी वाहेगुरू तुहानू अजिहे महाबली पुत्र दी दात बख्शेगा जो गुरु घर दे दुखियां जालमां ते हंकारी लोकां दियां सिरियां इउं भन्नेगा जिवें असी प्याज भन्निया है। ये सुन के माता जी गदगद हो गए। गुरदेव पति दा समझाया तरीका किवें सफल होया। शुकराने नाल उन्हां दे दोवें हथ जुड़ गए ते अंतर आत्मा विच गुरबाणी दा ए वाक गूंजन लग पिया, बिन बोलिया सब किश जानदा। ओ नमस्कार करके वापस गुरु महल्लां विच अमृतसर पहुंच गए। अगले साल 1595 विच माता जी दी कुखों गुरु हरगोबिंद साहिब दा जन्म होया। इस घटना दा जिक्र सिख इतिहास दे सारे स्रोतां विच किसे ना किसे रूप विच आया है। इस घटना तो लै के अज तक लखां लोग बाबे बुढ़े दी बीड़ ते अजिहियां मिसियां रोटियां ते प्याज लै के लंगर भेंट करन लई जांदे हन। बहुते इतिहासकारां ते साखीकारां ने साखी इसे तरह बयान कीती है, पर प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने गुरभारी पुस्तक विच कुछ वक्खरी जानकारी दिती है। वह लिखते हैं कि जब पहली बार माता गंगा जी बाबे बुढ़े दी बीड़ लंगर लै के गए तो गुरु अर्जन देव जी उन्हां दे नाल सन। ये इतिहासक सच नहीं जापदा। गुरु अर्जन देव जी नाल जांदे तां पहले ही लंगर दी तैयारी
ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਵੱਸ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਖੜਿਅੰਤਰ ਰਚੇ। ਕਿਧਰੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਿਤੇ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਸੱਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਜੂੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੇਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸੋਗ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।